राम राम जी। गाड़ी है टाटा एल्ट्रोज 2021 का मॉडल है, डीजल वेरिएंट है, BS6 है और गाड़ी में प्रॉब्लम देखो कितने मजे की। 2 महीने से कस्टमर परेशान है, माइलेज डाउन है और पिकअप लो है, यानी माइलेज 4-5% गिर गया है, यानी कि माइलेज दे रही है 15-16 की, जो कि देना चाहिए 20 से ऊपर। अभी इन्होंने कई सारे काम करवाए हुए हैं, इन्होंने फ्यूल इंजेक्टर, अभी देखो ये फ्यूल इंजेक्टर 2 महीना पहले सारे चेक कराए थे ना, ठीक है। दो ये फ्यूल इंजेक्टर सब चेक करा लिए, बढ़िया काम किया, और मैप सेंसर कराए थे, इंजेक्टर कराए थे, और क्या क्या कराए थे, बस यही था जी। कितने करीब में? 45 के आसपास था, 45 से 60 के आसपास लग गया। 45 से 60 के बीच में खर्चा बताया कि पूरा ECM बदला जाएगा। तो ये सर थक हार के गाड़ी चलाते रहे, फिर मेरे पास फाइनली आए हैं और इस प्रॉब्लम को लेकर 20 दिन और लगाए और 1 महीना 10 दिन और चला लिए, वैसे ही कम माइलेज पे। ये हम स्टार्ट किए, माल फंक्शन की लाइट कौन सी आ रही है? सिर्फ एक माल फंक्शन की लाइट आ रही है, वो भी चेक इंजन लाइट। तो गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है। रीड फॉल्ट कोड करेंगे हम, तो ये फॉल्ट कोड आ रहा मास या वॉल्यूम, एयर फ्लो सेंसर ए सर्किट हाई, इनटेक एयर टेम्परेचर ए सर्किट हाई, सर्किट हाई बैंक 1, यानी कि 103 और 113, P0 103 113 आ रहा है, यानी मास सेंसर का आ रहा है, एयर मास सेंसर का आ रहा है। तो एयर मास सेंसर के चक्कर में उन्होंने मास एयर फ्लो सेंसर चेंज कर दिया था। हाँ जी, वो बोले कि ये भी होगा, वो भी, मैं तो दिक्कत में था, मैंने बोला कि कर दो जो है ठीक, बट फिर वही प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने आपको बताया ये फॉल्ट कोड पहले भी आ रहे थे और यही फॉल्ट कोड अभी भी आ रहे हैं, देख सकते हैं कंफर्म है, और मास एयर फ्लो सेंसर को बदल के देख लिया गया, लेकिन कहानी बनी नहीं। वो फिर मास एयर फ्लो सेंसर लगाया लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, फिर वो छोड़ दिए। एक फॉल्ट आ रहा मैप सेंसर का, मास एयर फ्लो सेंसर का, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है माइलेज गिरने का, पिकअप लो का, ये आएगा ही आएगा, और ये करेंट में दिखा रहा कंफर्म है, मतलब कुछ तो पंगा है, लेकिन एयर मास सेंसर बता रहे बदल के देख लिया। तो क्या यार ये फॉल्ट कोड फिर क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह से चेक लाइट आ रहे हैं? तो हम इस पे काम करेंगे, इसका डेटा शीट चेक करेंगे, क्या यहाँ जो लाइव डेटा है वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ जाओ, एयर फ्लो कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंसर का मैं लाइव डेटा लूंगा, ओके करूंगा, ठीक है। ये है 34 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन 34 ग्राम बहुत ज्यादा अल्टर है। ये 34 ग्राम दिखाने का मतलब क्या है कि ये फेलियर हो रहा है एयर मास सेंसर, यानी एयर मास सेंसर फेलियर का निशानी है कि 34 ग्राम पर सेकेंड के हिसाब से दिखा रहा है। हम फिलहाल इस गाड़ी को करते हैं बंद, आपने देख लिया और पास में आओ, ये 34 ग्राम का देख लिया, 34 ग्राम पर सेकेंड दिखा रहा है, ये गलत है। ये ग्राफ देखते हैं, 34 ग्राम का दिखा रहा है, ये दिखाना कितना चाहिए, 6 ग्राम से लेकर 9 ग्राम के बीच में दिखाना चाहिए। जैसे कई गाड़ियों में देखे होंगे, फोर्ड की गाड़ियों में 8 ग्राम देता है, टाटा की गाड़ियों में 6 ग्राम से 7 ग्राम इसमें देता है, मारुति की गाड़ी में भी 7 ग्राम देता रहता है। तो ये 6 से 7 ग्राम होना चाहिए, जो कि वैल्यू जा रहा है 34 ग्राम, यानी कि वैल्यू गलत है। ये 30 ग्राम यानी ECM के अंदर पहले से ही फीड है, वो वैल्यू दिखा रहा है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से माइलेज और पिकअप का इशू है। तो एयर मास सेंसर पे डाउट जा रहा क्यों? बिल्कुल। तो हमें एयर मास सेंसर को चेक करना पड़ेगा, वैल्यू देख लिया, एयर मास सेंसर का वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रहा है, प्रॉपर आता है 6 से 9 ग्राम के बीच में रहना चाहिए, लेकिन 30 ग्राम हमारा गड़बड़ है, एयर मास सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा, तो हम एयर मास सेंसर को चेक करते हैं। ये है पूरा इंजन की कंडीशन, ये लगा हुआ एयर मास सेंसर, और फॉल्ट देखो, जब तक डेटा नहीं दिखाएगा, मल्टीमीटर लेके आओ भाई, इसकी वजह से एयर कितना जा रहा है ECM को ही नहीं पता होगा, तो फिर ECM तो अपने हिसाब से उल्टा सीधा तेल देगा ना, तभी तो माइलेज गिरता है। यादव इसको ग्राउंड के साथ पकड़ो, ग्राउंड के साथ में। तो ये है अपना, ये क्या आ रहा है, 5 वोल्ट, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसको इधर करो, यानी कि दिखाओ इधर, ये 5 वो ऐसा लो कि तुम दोनों आए दोबारा, हाँ, यानी 5 वोल्ट आ रहा है, वायर में रिफरेंस वोल्टेज है। ये ग्राउंड के साथ में बदलो जरा, ये ग्राउंड के साथ, हाँ पावर पे लगाओ, ये पावर पे लगाए तो, यानी कि हमारा
पावर भी आ रहा है और ग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है। अब इस पावर और ग्राउंड आ रहा है तो पावर और ग्राउंड आने के बाद से क्या होता है, सेंसर एक्टिव होता है। अब जब सेंसर एक्टिव होगा तो ये सिग्नल निकालेगा और वो सिग्नल इश्यू तक पहुंचता है, फिर इश्यू इस सिग्नल को लेके डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्यूल को कि कितनी सप्लाई देनी है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो रीडिंग है वो इश्यू हम अपना खुद का रीडिंग दे रहा है 30 ग्राम, यानी एयर बहुत ही ज्यादा जा रहा है। जब एयर बहुत ही ज्यादा जा रहा है तो तेल भी तो बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा कंबर्शन के लिए, तो तेल भी बहुत ज्यादा दे रहा है, इसीलिए तो माइलेज गिर गया, 15% आ गया माइलेज 15 पे। तो हमको ये देखना है कि ईसीएम इसके डेटा को कैसे रीड करता है, ठीक है। तो हमने स्कैनर लगाया, चूंकि हमने ईसीयू को कनेक्ट किया ये देखने के लिए कि ईसीयू के पास जो मैप सेंसर का डेटा है वो कैसा है, तो वो मैप सेंसर का डेटा आ जा ही नहीं रहा। तो क्या हम अपने तरह से चेक कर सकते हैं कि ये मैप सेंसर काम कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है? तो कैसे चेक करेंगे? दो तरीका है, एक तो सिग्नल इसका चेक करें कि सिग्नल आउटपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन एक और तरीका है जो ईसीयू की तरह ही हम भी समझ सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए लैब स्कोप आता है और उसी लैब स्कोप से इसको चेक करेंगे कि क्या ये रीडिंग दे रहा है सही कि नहीं दे रहा है। लैब स्कोप है, देख सकते हैं, चूंकि ये नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, हालांकि बहुत सारे जो अच्छे मैकेनिक हो तो जानते ही हैं क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये है वीटेक, वीटेक वाले सर हैं। अपना चैनल का पूरा नाम जी? वीटेक एंड एडवांस्ड ऑटोमोटिव लर्निंग। क्या बात है, इनका मोटिव ही है कि मिस्त्री को ट्रेंड किया जाए। कैसे मिस्त्री का? देसी, देसी नहीं, जो बहुत ज्यादा सुलझे हुए हैं उनको और ज्यादा सुलझा हुआ करने के लिए, ताकि और डीप जाके कैन, लो कैन, हाई, के लाइन, एल लाइन, सेंसर टेस्टिंग, ये सारा चीज जानने के लिए। तो इनके चैनल उसी के लिए बना हुआ है और मैकेनिकों के लिए अपडेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक से डरते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्कैन टूल आ रहे हैं, जितना नई गाड़ियां आ रही हैं इतना एडवांस हो रही हैं कि आज चीज मल्टीमीटर से चीजें टेस्ट नहीं हो रही। हाँ जी। अब हमें वो चीज चाहिए जिससे हम वो सिग्नल देख सके। क्या बात, जो ईसीएम देख रहा है। तो आप मैकेनिक भाइयों को एक नया तरीका भी दिखाते हैं कि भैया कोई चीज खराब हुई ना उठा के चेंज कर देना, ये कलाकारी नहीं है। और कोई प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर है तो प्रॉब्लम है, कस्टमर कह रहे दिक्कत है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो समाधान होगा ही। अरे मुझे भी नहीं पता है कि गाड़ी ठीक होगी कि नहीं होगी, लेकिन अपना डायग्नोसिस तो अच्छा होना चाहिए, क्यों सर? आठ चैनल का है यार जी सर। खरीदा है अभी, हाल फिलहाल ही खरीदी है हमने भी भैया, इसी सब चीज को, इसी सब फॉल्ट को, कि यार कोई कस्टमर दूर से आ रहा है, मान के चलिए पंजाब से आए ना, पंजाब से आए हैं, कहे आए हैं पंजाब से, उनको पता है कि यार यहाँ जाएंगे कुछ तो उपचार मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा तो मैं पैसा नहीं खराब करूंगा सर जी, एक रुपए भी नहीं खराब करूंगा। ये देखिए, ये मैंने बैक प्रोब किया है अभी, ये सिग्नल का, सिग्नल का, और देख सकते हैं दूसरा तार मैंने अर्थ में लगा, ये ग्राउंड पे लगा दिया, बिल्कुल मल्टीमीटर की तरह काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा सेंसर सिग्नल दे रहा है, ये देखिए ये सिग्नल दे रहा है, ये हम साफ देख पा रहे हैं। अब यही चीज है जो हमारा ईसीएम देखता है, यानी कि हमारा एयर मास सेंसर बिल्कुल ओके है। ये यहाँ से की ऑन है गाड़ी की, क्योंकि की ऑन पे ही हमारा मास एयर फ्लो सेंसर हमें सिग्नल देता है, ये हमारे पास ये रीडिंग आ गई, जीरो जीरो से 5 वोल्ट तक की रीडिंग है। हाँ। क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी। हाँ, ये एक तरीके का पुल अप सर्किट है, ठीक है, 0 to 5 वोल्ट वाला। हाँ, हाँ, और हमको ये साफ दिख रहा है, सो सेंसर का जो काम है वो बखूबी कर रहा है। अभी यहाँ पता पड़ गई कि सेंसर जो बदला, जो पहले सेंसर बदला गया था ना, वो चूंकि सेंसर सही है, तो यहाँ पास में दिखाओ, अभी हमने चाबी को ऑफ किया है, अब ऑन करना जरा, ऑन करो, ऑन करते के साथ ही देख रहा है ना बैप फेम ये बनने लगा, सिग्नल हमको मिल रहा है, यानी कि हमने क्या चेक कर रहे हैं कि हम सिर्फ एयर मास सेंसर को अपने आप चेक कर रहे हैं, यानी हम खुद ईसीएम बन गए, हमने ये मशीन से खुद ईसीएम बन के हम खुद चेक कर रहे हैं कि भैया ये जो सेंसर है सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा। और यही कारण है सर जी कि इस बदल भी रहे हैं ना तभी भी, क्योंकि आपका ऑलरेडी पुराना वाला खुद सही है लेकिन इसका सिग्नल इश्यू तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब क्या, मतलब वायरिंग में फॉल्ट है। बिल्कुल सही बात, वायरिंग कहीं ना कहीं से हुआ है कट। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। तो हम कन्फर्म कैसे हुए? कन्फर्म हुए भैया इस मशीनिया से, ये
वेब फॉर्म में दे रहा है, मतलब सेट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनका वर्कशॉप है, एज ए ट्रेनर है। जी जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में नेशनल लेवल का ट्रेनर हूँ, सो मैं ऑटोमोटिव पे हर एक टॉपिक पे ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पर। हाँ, मैंने भी सर को बुलाया दो तीन दिन से, मैं यार थोड़ा रहेंगे साथ में, कुछ नई टेक्नोलॉजी साझा करते रहेंगे। अरे सर, आपसे सीखने आए हैं हम, सिखाने नहीं आए, आपसे सीखने आए हैं। चैनल विजिट कीजिएगा, पता चलेगा क्या चीज है वो, बहुत डीपली और बारीकी चीज दिखाते हैं वीटेक पे। अपने चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब फाइनली हमारा यहाँ पता चल गया, पास में आओ, यहाँ पता चल गया कि मेरा एयर मास सेंसर काम कर रहा है। अरे स्टार्ट करना भाई। तब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जिस हिसाब से ये सेंसर चल रहा है वो देखिए। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी, यानी कि एक सेकंड में कितना ज्यादा सिग्नल हमें देखने को मिला। देते रहो। अब आपने देखा ये पतला हो गया रेस दिए तो, अब फिर चौड़ा हो गया, यानी कि हमारा एयर मास सेंसर भाई बंद कर दो भाई। यहां तक तो फॉल्ट समझ में आ रहा है कि वायरिंग में फॉल्ट है कहीं, इसीलिए मिस्त्री घूम रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था तेल काहे खा रही है, खाली इंजेक्टर फेल है कि क्या है भाई, वायरिंग का इशू है। सिग्नल तो एयर मास सेंसर बहुत टॉप का सिग्नल दे रहा है, हम इस ये डिवाइस नहीं रहता तो हम भी फेले रहते, लेकिन इससे पता पड़ गया कि हमारा एयर मास सेंसर सिग्नल बहुत बढ़िया दे रहा है, लेकिन ये सिग्नल वहां तक इश्यू तक नहीं जा रहा है, बीच में क्या है वायरिंग कहीं ना कहीं से कट है, तो हम पूरा वायरिंग को जैक उठाओ, जरा जैक लगाओ फटाफट, वायरिंग चेक करते हैं। वायरिंग कहाँ कहाँ से जा रही है इसकी भाई, ये बात है, यानी कि इसमें आ रही है पूरा झमेला में। ये तो खुला हुआ लग रहा है यार, यहाँ तो नहीं कट रहा है, और पास में करो, ये देखो खुला हुआ लग रहा है ना, ये रगड़ रगड़ के लग रहा है यहीं से कटा है। अरे खुल जा भैया, ये देखो वायरिंग दिख रही है ना, ओहो यहीं से है भाई, यही है ना वायरिंग, हाँ एयर मास सेंसर की। ओहो हो भाई मेरे, ये देखो तार, ये यहाँ से कटा हुआ है भाई, ये चीज है, ये घिसी है तारे, घिसी है। ए इसको पूरा उधेड़ो जरा, या फिर एक बार कट करके टेप लगा के देखें जरा, चलो निकालो निकालो, हाँ सही से लपेट दो। बताओ यार, एक तार घिसने से कितनी प्रॉब्लम आ जाती है यार गाड़ियों के अंदर। उसको ज्वाइंट कर दिया ना बढ़िया से, देखे यार यही था या कुछ और कहानी है, कहीं ऐसा तो नहीं और भी जगह से हो, अब देखेंगे तभी पता पड़ेगी, लगाओ। असल बात है इन्होंने जो है ना, ये वायर तो फिर भी घिसेगी यार, वो ऐसी जगह इस वायर को सही से सेट करो, ये नक्के में कहाँ बैठा है ये। हाँ भाई टाई क्लिप मार दे, और टाई क्लिप मारो, नहीं तो बार बार तो फिर भी घिसेगा वो, तो घिस के फिर टूटबे करेगा दोबारा से। एक ये नक्का, ये देखो इसमें बैठना चाहिए यार, ये कहाँ लगेगा ये पॉइंट, ये सही सेट ही नहीं है, तो बार बार घिसेगा वहां, वाइब्रेशन जितनी बार होगी उतनी बार तो घिसेगा। चलो फॉल्ट मिल गया, पर अब देखते हैं अंदर आके। ए बैटरी टाइट, चेक इंजन लाइट अभी भी आ रही है, इधर दिखाओ, चेक इंजन लाइट अभी भी आ रही है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या कहानी है जी, रीड फॉल्ट कोड, तो ये मेमोरी में दिखा रहा है, देख सकते हैं मेमोरी में चला गया, ये इंटेक एयर टेम्परेचर ये भी मेमोरी में चला गया, लेकिन एक कोड हमको दोबारा मिल गया, ये P0685। एक तो बदबू भी, कैसा बदबू आ रहा है ना, अब समझिए इतना इमिशन खराब था कि बदबू भयंकर लेवल का आ रहा है, लेकिन मास एयर फ्लो और इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का दोनों मेमोरी में चला गया, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, शॉर्ट आउट हो गए। लेकिन ECM का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ, स्विच को ऑन। ये ECM वाला 685 वाला मालूम क्यों आया, P0685, जब भी हम वायरिंग को और ECM को या फिर रिले को छेड़ते हैं, क्यों सर जी? बिल्कुल सर, जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो कुछ कोड आ जाते हैं, कभी भी कोई फॉल्ट कोड आता है तो मैं सभी को यही कहता हूं कि सबसे पहले गाड़ी का फॉल्ट कोड को क्लियर करें,
रोड टेस्ट करे और उसके बाद दोबारा से चेक करे कि कौन कौन से कोड आ रहे हैं, सीधा कोड देखकर उस पे अटैक ना करें। ठीक 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 ठीक। तो हमारा दो जो था वो मेमोरी में चला गया जो कन्फर्म था, अब ये एक्स्ट्रा आया तो हम इसको पहले क्लियर करेंगे। पास में आओ, ये क्लियर फॉल्ट कोड, ठीक है, ये देखो क्लियर, ओके, क्लियर कंप्लीट, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड, यानी नो ट्रबल कोड है। दोबारा क्लियर करो, नो ट्रबल कोड, अभी नो ट्रबल कोड। अब मीटर में दिखाओ, इधर इधर मीटर दिखाओ। ओए होए होए, तो ये 6 इंजन लाइट चला गया। अब हम लाइव डेटा को चेक करते हैं कि जो लाइव डेटा हम कितना 30 ग्राम चल रहा था ना, 29 ग्राम, क्या वो डेटा सही हुआ कि नहीं। पास में आओ, हाँ देखिएगा, ये देखिए, ये कितना 6 ग्राम 6 ग्राम पर सेकेंड आ रहा है। एयर मास फ्लो कैलकुलेटेड लोड फ्रॉम सेंसर, ये पहले कितना था, 30 ग्राम के आसपास, 29-30 ग्राम के आसपास जो इश्यू दे रहा था जी। अब इसका फॉल्ट कोड फाइंड आउट हो गया, मतलब अब गाड़ी मुझे लग रहा है कि ये पूरा मजा आ जाएगा। तो हम गाड़ी को चला के देखते हैं, चलो रेस दो। बस भाई साहब, गाड़ी ने तो धमाका ही मचा दिया यार, मजा आ गया। ओए होए, ये पिकअप ये होती है भाई साहब, जान आ गया गाड़ी में यार। और तेरी यार, ओ सो बाप रे, सुई भी लाल हो रही है। अब भाई साहब 120, वो देखो, अरे तेरी यार, 120 पकड़ लिया था, रिकॉर्ड हुआ था 120 का। इसको कहते हैं प्रॉब्लम फिक्स्ड। हाँ ओए परफेक्ट भाई साहब, चलाया मैंने पहले गाड़ी, रो रो चली ना रही थी गाड़ी। अब देखो पांचवे गियर में हल्के एक्सीलेटर में गाड़ी, पिकअप देख रहा, ब्रेक ना ले तो साला पार हो जावे। सही बात है भाई साहब, अब देखो चेक लाइट भी नहीं आ रहा है। मतलब बात है, जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं ना जी, तो फिर मजा ही मजा है। ये बात है, तो अभी तक कोई भी चेक लाइट नहीं आया, एक बार स्कैन करके देखते हैं कि क्या अभी भी रेशियो दिखाना, ओके करना इंजन डेटा, वो 6-7 ग्राम दिखा रहा है आइडल पर। हाँ जी, 6-7 ग्राम आइडल, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ओके, बैक करके एक बार देखिए, कुछ फॉल्ट कोड तो नहीं आया। नो फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड, अभी गाड़ी चला के लेके आ रहा हूँ, जस्ट नो ट्रबल कोड, देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि गाड़ी मेरी सॉर्ट आउट हो गई, बढ़िया हो गई गाड़ी, अच्छी हो गई। ईयर मास सेंसर मान के चलो कोई बदल भी रहा है ईयर मास सेंसर, तो ईयर मास सेंसर सिग्नल दे रहा है, वो इश्यू तक जाएगा तबे तो इश्यू पढ़ेगा उसको कि भैया ये सिग्नल आ रहा है। जब तक पढ़ेगा नहीं इश्यू, उसको तो लगेगा ये खराब है, हम लोगों को भी लगेगा ये खराब है, हम बदले चले जा रहे हैं। और जब एयर मास सेंसर लगातार हम बदलते चले जा रहे हैं, तो भी कहानी सेफ नहीं हो रही है, सेटे नहीं हो रही है, तो उसको चेक करने का भी हथियार चाहिए। जो कि हथियार भैया ये काम आता है, यहाँ पे काम आता है लैब्स को, यही काम आता है, चाहे एयर मास सेंसर हो। अब मैकेनिक भाइयों के लिए है, अब कस्टमर लोग तो जा सकते हैं, खैर है कि नहीं, अब उनका गाड़ी का मजा आ गया। लैब स्कोप से क्या होता है, आप एयर मास सेंसर का सिग्नल, केम सेंसर का सिग्नल, क्रैंक सेंसर, तो लाइव डेटा भी कंप्यूटर में नहीं बताता है, क्या करेंगे। क्रैंक सेंसर खराब है, 340 का फॉल्ट कोड आ रहा है, केम सेंसर है ना 340 का केम सेंसर फॉल्ट कोड आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्यों स्कैनर में भी नहीं दिखाता है, तो उसके लिए यही लैब स्कोप काम आता है। ये लैब स्कोप हो चाहे कोई भी टूल हो, उसको चलाने का और उसका काम क्या है ये समझने का तो जरूरत है। अब मान के चलिए कि ये नहीं होता मेरे पास, तब तो हम इसके डेटा को हम खुद नहीं रीड कर पाते, जो इश्यू रीड कर रहा था वही हमने इस मशीन के थ्रू हम रीड करने लगे कि आखिर ये बता क्या रहा है मेरे को। तो देखा मैंने, भाई सही बता रहा है, 0-5 वोल्ट में जा रहा है, आ रहा है, पुल डाउन सेंसर होते हैं ये सब, जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो पकड़ पाए आज सर जी की मदद से। शुक्रिया सर, आपकी जो नॉलेज है सर उसके हम मुरीद हैं। इतनी दूर से हम आए हैं, वो आपसे मिलने के लिए ही आए हैं, और जैसे आपने बताया कि लैब स्कोप है, ये चीजें हमारे आसान कर देता है। हाँ। हमारे मैकेनिकों के लिए ही बनी है कि चीजें हमारे लिए मुश्किल तो हमारे लिए पहले ही बहुत सारी चीजें हाँ। है ना, तो कोई ना कोई हमें ऐसा हथियार, कोई ऐसा वेपन जो कह देते हैं हम, हाँ। टूल हमें ऐसा चाहिए जो हमारी कर दे जिंदगी को
आसान आसान, और ये वो चीज है हमारे पास आज। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे टूल होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, लेकिन सबसे पहले सर जी हमारा डायग्नोसिस सिस्टम क्या है वो तो सही होना चाहिए। बिल्कुल, ना फ्लो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे हमने किया सबसे पहले ये देखा कि ईसीओ में फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, हमको एयर मास सेंसर का दिखाया, तो हम एयर मास सेंसर को एक्टिव करने वाले 2 वोल्ट जो चेक कर लिए प्लस माइनस, बिल्कुल यानी एयर मास सेंसर को एक्टिव कर रहा है कि नहीं वो आ रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन एक्टिव करने के बाद ये जो एयर मास सेंसर है ये क्या सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसको चेक करने के लिए मशीन लगा लिए, पता चला ये बिल्कुल करेक्ट है, अब पुराना वाला ही सही है, नया चेंज करके कई मिस्त्री देख लिए, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए वो भी है। और सर का जो चैनल है वीटेक का, आपने क्या मोटिव से चैनल बनाए थे? मोटिव हमारा ये था कि जो भी चेंजेस आ रही है इंडस्ट्री में, हाँ, है ना, हमारे भाइयों को उनकी सही ट्रेनिंग मिले। अच्छा, जो होता है ना, एक तो होती है कि हाँ कोई किसी को कुछ सिखा रहा है, हाँ, पर हमें ये नहीं पता होता कि वो सही सिखा रहा है या गलत, बिल्कुल, है ना। सही ट्रेनिंग क्या है, हाँ, कि हाँ, जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके। अगर मैं किसी वीडियो को देखता हूँ, आपकी वीडियो को देखता हूँ, मुझे पता है कि वो चीज गलत हो ही नहीं सकती, है ना, वो विश्वास होता है, हाँ, हाँ, वो विश्वास मैं सच बताऊं आपके चैनल को देखते हुए चैनल बनाया था मैंने। आप इतने ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं, इतने अच्छे से वीडियो बनाते हैं, देखिए बहुत लोगों को मदद होती है ना आपकी वीडियो से। कितने भाई हमारे मैकेनिक बने हैं, उनके घर परिवार चल रहे हैं, तो वहां से मैंने कहा कि यार एक चैनल मुझे भी बनाना चाहिए वो दूसरी तरफ की चीजें दिखाने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा दूसरी कंट्रियों में जैसे टूल यूज होते हैं, जो नॉलेज यूज होती है, उनको दिखाना मुझे लगा कि जरूरी है कि ये चीजें भी दिखाई जाए। सो वो मेरा मेन मकसद था कि भाई लोगों के लिए, हमारे जो लोग हमें देखते हैं जो गाड़ियों पर काम करते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए जिस पर वो पूरा ट्रस्ट कर सकें। और चूंकि मेरा मैकेनिकल जैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना, वैसे ही इनके चैनल पे इलेक्ट्रिकल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, क्योंकि हमको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं भी चाहता हूं कि जो आगे का भविष्य है वो इलेक्ट्रिकल पे ज्यादा है, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी आए, हाइड्रोजन सेल गाड़ी आए, ईवी आए, या फ्लेक्स इंजन आए, या फ्लेक्स फ्यूल आए, जो भी इंजन आ रही है या हाइब्रिड आए, सब में इलेक्ट्रिक ज्यादा है, भर भर के सेंसर है। बिल्कुल सही बात। अभी महिंद्रा एक्सयूवी का एक हैंडल देखे, वो भी सेंसर लगा हुआ है, हर एक चीज में सेंसर है। ये सेंसर को कैसे डिटेक्ट करें, तो उसके लिए सर के चैनल को मैं विजिट करता हूं, और इन्होंने बहुत डीपली जो कहते हैं ना गहराई में जाके बताया है कि के लाइन, एल लाइन, कैन लो, कैन हाई, सिस्टम टू लीन, सिस्टम टू रीच, ये अपना P171-72 का, और O2 सेंसर के बारे में कैसे डिटेक्ट करें। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो सेंसर से रिलेटेड है, इनके चैनल पे बहुत भर भर के पड़ी हुई है, और आपका तो वीडियो बहुत लंबे लंबे होते हैं सर, बहुत से भाइयों को कंप्लेन है उस चीज की कि वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन हमें खुशी है सर जी कि लंबे में ही समझ में आता है, क्योंकि लंबा है तो मतलब कुछ ज्यादा ही मिलेगा। बिल्कुल सही, तो ये भी वेब सिस्टम सब इन सर से ही सीखा है हमने भी, और हमने भी अपने आप को खुद को अपडेट किया। जो मिस्त्री अपडेट नहीं कर सकते वो वहीं पड़े रह जाएंगे, लेकिन जो अपडेट कर गए वो बूस्ट मार जाएंगे, तो अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर ये मैकेनिकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जाके चैनल विजिट कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, वीटेक के नाम से है चैनल, और क्या बोलना चाहेंगे सर जी? लास्ट में तो यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे भाई हैं, बहुत से भाइयों को एक दिक्कत है, हाँ, वो दिक्कत नहीं है, एक तरीके का डर है, हाँ, कि आने वाले समय में वो कहां से चीजें सीखेंगे, ठीक, आने वाले समय में क्या वो फील्ड में रह सकेंगे कि नहीं, क्या वो अपना घर परिवार चला सकेंगे कि नहीं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मुकेश गौंद जी जैसे इंसान है यूट्यूब चैनल पर और वो वीडियोस बनाते रहेंगे, और हम भी जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं हम करते रहेंगे, आप भाइयों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइड्रोजन गाड़ियां, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी उस पर कुछ ना कुछ वीडियोस, कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक हम डालते रहेंगे, ताकि आप सब भाई उस फील्ड में, हमारी इस ऑटोमोटिव फील्ड में टिके रहे। अच्छा, मैकेनिकों के लिए इलेक्ट्रिक कितना जरूरी है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रीशियन का काम इग्नोर करते हैं, अरे जैसे ये सब काम है ना, ये मिस्त्री नहीं करता है, अरे इलेक्ट्रीशियन को बोल देना जरा यार इसका मैप सेंसर का लाइट आ रहा है कर दो, कितना जरूरी है एक मैकेनिक के लिए सब काम जानना? बहुत जरूरी है। देखिए वो पहले कितने टाइम से, 1920 से 1910 में पहली मर्सिडीज की गाड़ी बनी थी शायद, तब से मैकेनिकली चलता आ रहा है ज्यादातर, है ना, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल, थोड़ी बहुत तारे शुरू, अब मीलों लंबी तारे हैं गाड़ियों में, है ना, और सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां देख लीजिए, उसमें सारा कुछ इलेक्ट्रिक है ना, तारे ही तारे हैं, मॉड्यूल ही मॉड्यूल है, कंप्यूटर ही वगैरह। सो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल में
कंपनियों को खर्चा कम करना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। सारा कुछ इलेक्ट्रिकली हो रहा है, तो वहां पर अगर कोई हमारा भाई है जो इलेक्ट्रिकल चीजों को नहीं समझता, हाँ, वो बहुत जल्दी इस काम से फेल हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। तो भैया मैकेनिक भाई हैं यदि, तो ध्यान रखिए इन चीजों का, इलेक्ट्रिक में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जो उतर गया वो सक्सेस है। अभी ये तो गाड़ी फाइनल हो गई, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सही भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम, और बीटेक वाले सर के चैनल विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अरे ना मिले सीखने को ना, आके मेरे को कमेंट करना, फिर पता चलेगा कि क्या चीज है। अभी जाओ तो सही पहले। थैंक यू।